हेलो गाइस, दिस इज प्रदीप नेगी एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल मस्ती। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ ओप्पो की ओर से आने वाला ओप्पो का लेटेस्ट स्मार्टफोन ओप्पो A54, जिसकी करेंगे अनबॉक्सिंग, नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन, कैमरा पर, साथ ही साथ टेस्ट करेंगे फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक का, और वीडियो में चर्चा करेंगे कि ये स्मार्टफोन आपको खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए। साथ में बात करेंगे इसके फीचर्स की और देखेंगे इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छा हैं। शुरुआत करेंगे इसके प्राइस से, तो ये आपको 4GB 64GB वेरिएंट मिलता है 13,490 रुपए में। रियर में ट्रिपल कैमरा है और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। 5000mAh की बैटरी इसमें आपको मिलती है। बाकी हम वीडियो में आगे देखेंगे क्या क्या और दिया गया है इसमें खास। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, उसको दबाना है। बगल में बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिए। ऐसी वीडियो आपके लिए मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ, तो बिना समय गवाए जल्दी से करते हैं ओप्पो A54 की अनबॉक्सिंग को स्टार्ट। तो आइए सबसे पहले पैकिंग पे नजर डालते हैं। तो ये व्हाइट कलर का एक बॉक्स है जिसमें आपको मोबाइल का फ्रंट लुक और बैक लुक का फोटो यहाँ पर छपा हुआ देखने को मिल जाता है। ऊपर 4GB 64GB स्टोरेज को यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया है, बाकी आगे कुछ नहीं देखने को मिलेगा। जी हाँ, लेफ्ट साइड में आपको एक पंच होल डिस्प्ले मिल जाती है। बैक साइड पर नजर डालें तो यहाँ थोड़े बहुत हेडलाइन फीचर्स दिए गए हैं। जो प्रोसेसर है वो कहीं मेंशन नहीं किया गया है। जो जो इसके बढ़िया फीचर्स है वो यहाँ पर जरूर आपको देखने को मिल जाएंगे। 16 मेगापिक्सल का AI सेल्फी कैमरा, 18 वॉट का फास्ट चार्जर, 5000mAh की बैटरी, आई केयर पंच होल डिस्प्ले आपको इसमें दी गई है। वहीं बॉक्स प्राइस की बात करें तो बॉक्स पर आपको प्राइस लिखा हुआ देखने को मिलेगा 14,990 रुपए, 13,500 रुपए का आपको ये मिल जाता है। चलिए यहाँ से हम इस रैपर को रिमूव कर लेते हैं। तो बॉक्स को हमने ओपन कर दिया है। सबसे ऊपर देखें तो एक मिनी बॉक्स आपको इसमें देखने को मिलेगा, जिसको हम ओपन करें तो अंदर आपको सिम इजेक्टर, पेन, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल के साथ अच्छी क्वालिटी का है, फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकन का कवर दिया गया है, जो कि फोन की सेफ्टी के लिए आपको मिल जाता है फ्री में। इसके बाद आता है स्मार्टफोन, जिसे फिलहाल रख लेते हैं साइड में। अंदर देखें तो एक काफी बड़े साइज का हैवी चार्जर अडेप्टर आपको इसमें दिया गया है और यह है 18 वॉट का फास्ट चार्जर, 5 वोल्ट 2 एम्पियर और 9 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग आपको इस चार्जर से मिलती है। चार्जर पर आपको मेड इन इंडिया भी मेंशन मिल जाता है। वहीं यूएसबी केबल की बात करें तो एक व्हाइट कलर की आपको इसमें टाइप सी यूएसबी केबल दी गई है। केबल की लेंथ और क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है। अब आ जाते हैं स्मार्टफोन पर। तो इन हैंड फील काफी लाइट वेट और काफी स्लिम ये स्मार्टफोन लग रहा है। चलिए इसका वेट हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा वेट मीटर और इसका वेट निकल के आता है 191 ग्राम, यानी कि 192 ग्राम का इसको समझ के चलो। सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड आप लगाओगे तो पूरा 192 ग्राम का ये स्मार्टफोन हो जाएगा। तो मोबाइल पर आपको पहले से स्क्रैच कार्ड लगा हुआ मिल जाता है, जिससे स्क्रैचेस से फोन बच जाता है। बाकी मोबाइल का जो बैक पैनल है वो आपको काफी कमाल का मिल जाता है। ये देखिए, लाइट रिफ्लेक्शन काफी कमाल का दिया गया है, काफी ग्लोसी फिनिश आपको बैक पैनल में देखने को मिल जाती है। ये आपको 3 कलर वेरिएंट में मिलता है, क्रिस्टल ब्लैक कलर, स्टेरी ब्लू कलर और मूनलाइट गोल्ड कलर में। जौन सा कलर वेरिएंट आपको पसंद हो आप परचेज कर सकते हैं। बाकी ओप्पो की ब्रांडिंग यहाँ पर काफी कमाल की लग रही है। फिंगरप्रिंट सेंसर कहीं नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको इसमें मिलता है साइड माउंटेन रियर फिंगरप्रिंट सेंसर। बाकी कैमरा सेटअप पे नजर डालें तो यहाँ आपको मिलते हैं ट्रिपल AI कैमरा, जिसमें जो प्राइमरी कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट आपको दिया गया है। वहीं फ्रंट में आपको पंच होल के अंदर मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। बाकी जो एज बेजल्स हैं वो कॉर्नर से आपको काफी कमाल के देखने को मिलेंगे, लेकिन जो नीचे चिन्ह है वो काफी ज्यादा यहां पर दी गई है। मोबाइल के राइट साइड में आपको पावर ऑन की मिलती है, ऊपर की साइड कुछ नहीं मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे प्लस वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं। मोबाइल के बॉटम में आपको 3.5mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल सब कुछ बॉटम में एक साथ मिल जाता है। चलिए स्मार्टफोन को तो हमने बूट कर लिया है, सबसे पहले इसकी ब्राइटनेस को हम फुल कर देते हैं ताकि डिस्प्ले हमें और अच्छे से देखने को मिले। तो इसमें आपको 480 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। अगर आपको ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले पसंद है तो इस स्मार्टफोन में आपको काफी ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। हालांकि कलर जो डिस्प्ले में है वो उतने खास आपको देखने को नहीं मिलेंगे। करीब से आपको दिखाएं तो यहाँ पर आप डिस्प्ले क्लैरिटी देख सकते हैं। मुझे यहाँ पर डिस्प्ले क्लैरिटी उतनी खास तो यहाँ पर लगी नहीं। बाकी आइकन आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे, गूगल के साथ
सारे ऐप आपको यहां अंदर देखने को मिल जाती है। बाकी यूजर इंटरफेस देखें तो स्क्रॉल अप करने पर आपको यहां सारी की सारी ऐप्स देखने को मिल जाती है। फालतू के प्री इंस्टॉल ऐप भी आपको यहां पर पहले से मौजूद दिख जाएंगे। हालांकि देखते हैं यहां पर अनइंस्टॉल करके होते हैं कि नहीं होते हैं, तो ये हम अनइंस्टॉल करते हैं। जी हाँ, अनवांटेड ऐप को आप अपने फ़ोन से रिमूव कर सकते हैं और अपनी पसंद के अनुसार प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको मिलती है 6.51 इंच की HD प्लस IPS LCD। देखिए ये एक हैरान करने वाली बात है, आप 13,500 रुपये खर्च कर रहे हैं एक मोबाइल परचेज करने के लिए और आपको इसमें फुल HD प्लस डिस्प्ले नहीं मिलती है, ये एक माइनस पॉइंट है। बाकी एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 270 PPI की और साथ में आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। आजकल नॉर्मली 11,000-12,000 रुपए के मोबाइल में आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, लेकिन ओप्पो अभी अपना प्राइस ही बढ़ा रहा है, अपने फीचर्स थोड़ी बढ़ा रहा है। और अब इसकी सेटिंग को हम ओपन कर लेते हैं, तो सेटिंग को ओपन करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुलकर आता है। जैसा कि सभी ओप्पो के फोनों में आपको नॉर्मली यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है, वैसा ही आपको इसमें भी दिया गया है। कोई चेंजेस यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अबाउट फोन सेक्शन को हम ओपन कर लेते हैं, तो यहां पर सबसे ऊपर डिवाइस नेम दिया गया है, वर्जन दिया गया है, कलर OS वर्जन आपको 7.2 का मिल जाता है, एंड्रॉइड वर्जन 10 दिया गया है। प्रोसेसर की बात करें तो 2.3 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको इसमें मिलता है। चिपसेट के तो क्या कहने, आपको इसमें ऐसा चिपसेट दिया गया है कि बॉक्स में कहीं मेंशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी ओप्पो वालों को, क्योंकि आपको इसमें मिलता है MediaTek Helio P35। जी हाँ, P35 का आपको इसमें चिपसेट दिया गया है, जो कि नॉर्मली 6,000-7,000 रुपए के मोबाइल में भी आपको मिल जाता है। तो यहां पर प्राइस के हिसाब से प्रोसेसर कितना थका हुआ दिया गया है, ये आप यहां पर जान सकते हैं। बाकी बात करें इसके फैब्रिकेशन की, तो 12 nm का आपको इसमें फैब्रिकेशन मिलता है। ग्राफिक पावर G8320 के दिए गए हैं। 4GB आपको इसमें LPDDR4X की RAM मिलती है, 64GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है, एक्सपेंडेबल मेमोरी 256GB तक ही आप बढ़ा सकते हैं। मोबाइल में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक का ऑप्शन दिया गया है। अभी हमारा डिवाइस लॉक है, तो यहाँ पर हमने इस थंब को यहाँ पर सेट किया है, तो प्रेस करते हैं। जी हाँ, प्रेस करते ही अनलॉक, अगेन ट्राई करते हैं। ये देखिए, बिल्कुल हल्का सा प्रेस किया और हमारा डिवाइस अनलॉक, तो फिंगरप्रिंट सेंसर काफी अच्छा आपको इसके साथ मिल जाता है। अब हम इस थंब को रिमूव करके इस फिंगर का यूज करेंगे फेस अनलॉक के लिए। इस पे हमने कोई लॉक सेट नहीं किया है, तो यहां पर देखते हैं। तो ये अभी लॉक है, फेस के सामने किया तो अरे वाह कमाल है, अभी तक अनलॉक नहीं हुआ। थोड़ा सा कैमरा आपको ऊपर दिखा देते हैं, तो ये देखिए बहुत ज्यादा टाइम, अगेन ट्राई करते हैं, तो ये मजे से फेस को रीड कर रहा है। ये देखिए बिल्कुल नहीं हो रहा है, अब जाके हुआ। तो बहुत ही घटिया फेस अनलॉक इसका दिया गया है, कभी वर्क कर रहा है तो कभी बिल्कुल ये ताला लगा का लगा रह रहा है यहाँ पर, कमाल है। तो फेस अनलॉक के मामले में बिल्कुल बूस्ट मोबाइल। और चलिए अब इसका हम कैमरा ओपन कर लेते हैं, टर्म ऑफ सर्विस को हम ओके कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर हो गया है। हाँ, कैमरा क्वालिटी के मामले में कोई शक नहीं, काफ़ी अच्छा कैमरा आपको दिया गया है, काफ़ी ब्राइट है, कलरफुल है। जूम करके देखें तो मात्र 5 गुना ही आप इससे जूम कर सकते हैं, ये देखिए, और जूम क्वालिटी भी बिल्कुल ब्लर आ रही है, अब जाके क्लियर हुआ। तो कैमरा नॉर्मल मोड में तो सही लग रहा है, बाकी जूम इससे आप 5 गुना ही कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड में देखें तो पोर्ट्रेट मोड में ये काफ़ी क्लोज आ रहा है। एक पिक्चर कैप्चर करके आपको दिखा देते हैं, एग्री अलाउ कर देते हैं। तो ये है इन्फिनिक्स का 7,000 रुपये का मोबाइल, इससे अच्छी पिक्चर देता है, काफ़ी कलरफुल, लेकिन पैसा है ज़्यादा, 13,500 रुपये, मजाक हो रखा है इनको लूटना हम जैसे नॉर्मल आदमियों को। बाकी स्लो मोशन मिल जाता है, टाइम लैप्स का ऑप्शन दिया गया है, एक्सपर्ट मोड मिल जाता है, पैनोरमा, माइक्रो, स्टिकर्स, आपको अगर स्टिकर्स का शौक है तो स्टिकर्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं। ये इसका फ्रंट कैमरा, जी हाँ, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है और अपने कैमरा के हिसाब से काफ़ी कलरफुल और ब्राइट कैमरा आपको इसका सेल्फी कैमरा मिल जाता है। चलिए एक पिक्चर कैप्चर कर लेते हैं। तो जी हाँ, अगर आपको सेल्फी का शौक है तो अच्छी सेल्फी मिल जाती है। ये देखिए, फुल जूम करके दिखा देते हैं, पसीना काफ़ी ज़्यादा आ गया है। तो सेल्फी लवर्स के लिए ये स्मार्टफोन सही है, कोई दिक्कत नहीं है सेल्फी अगर आपको लेनी है। और अब बात आती है इसे हमें परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास बहुत ही पैसे हैं,
हद से ज्यादा पैसे हैं तो आप 13,500 रुपए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिजाइन के मामले में तो यहां पर मैं कहूंगा काफी अच्छा लुक है, डिजाइन काफी अच्छा है, कैमरा सेटअप भी मुझे यहां पर काफी अच्छा लगा, फिंगरप्रिंट सेंसर साइड में दिया गया है। मगर जो बात आती है, अगर आपको वही सब कुछ 9,500 रुपए के ये पोको M2 रिलोडेड में उससे अच्छे फीचर्स मिल जाएं तो ये इसके सामने बिल्कुल गेट करने लायक है, क्योंकि आपको पोको M2 रिलोडेड 9,500 रुपए में फुल HD प्लस डिस्प्ले दे रहा है, साथ में 18 वॉट के चार्जर को सपोर्ट करता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आपको इसमें मिल रहा है और MediaTek Helio G80 का एक गेमिंग प्रोसेसर आपको इसके साथ दिया जा रहा है मात्र 9,500 रुपए में। तो क्या आप ओप्पो A54 को 13,500 रुपए में परचेज करना चाहोगे? तो फ्रेंड्स वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग होती है, लेकिन मेरे हिसाब से 13,500 रुपए वेस्ट ऑफ मनी यहां पर आपको देखने को मिलेगा ओप्पो A54 में। पता नहीं कौन सा नशा फूक करके इन्होंने ये स्मार्टफोन बनाया है, मुझे तो यहां पर हैरानी हो रही है, 13,500 रुपए इसका कौन देगा MediaTek Helio P35 प्रोसेसर का। बाकी आपने यहाँ पर पंच होल डिस्प्ले दे दी और यहाँ पर आपने ट्रिपल कैमरा दे दिया, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे दिया और 13,500 रुपये इसकी कीमत कर दी, तो यहाँ पर ये स्मार्टफोन आपके लिए काफ़ी घाटे का सौदा रहने वाला है। कम से कम 9,500 रुपये के आसपास अगर आपको ये मिल जाता, 10,000 ही मिल जाता कोई बात नहीं, ओप्पो बड़ा ब्रांड है, बड़े लोग हैं तो ठीक भी रहता, लेकिन 13,500 रुपये